Everyone, welcome to my channel. It's me, Simran Sahni, and welcome to the vlog one day one. And this is our study vlog. तो ये आज हमारा study vlog है और ये कोई मेरा full day vlog नहीं है. Actually मैं मेरी full day life अगर मैं आपको बताऊँ तो it's quite hectic and काफ़ी busy रहती हूँ मैं. कुछ थोड़ा सा time होता है तो you guys know वो किसको मिलता है, या तो वो मैं आपके comments पढ़ने को देती हूँ या फिर शिनचान देखने को, अदरवाइज K-pop. तो तीन चीज़ें ही है जो मैं अपने free time में सबसे मज़े में करती हूँ. And full day life की अगर full day vlog की अगर बात करो तो I'm a night owl, तुम सबको पता है. तो मैं रात को अपना ज़्यादा काम कंप्लीट करती हूँ. देन मॉर्निंग की अगर बात करूँ, सुबह 9 बजे तक मैं उठ जाती हूँ एंड कभी लेट हो तो 10 o'clock तक मैं उठती हूँ. फिर क्या है, फिर यूजुअली जैसे हम सब उठ के क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं. हैवी लोडेड ब्रेकफास्ट होता है मेरा विद पराठा एंड लॉट्स ऑफ बटर. फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद पूरा दिन शुरू हो जाता है गिविंग लेक्चर्स, उसके बाद जो है ऑनलाइन क्लास लेना, फिर नोट्स बनाना, फिर नेक्स्ट वीडियो की स्लाइड्स रेडी करना एंड सो ऑन. पूरा दिन मेरा निकल जाता है, देन वीडियो शूट करना, देन एडिटिंग, देन अगेन टेकिंग ऑनलाइन क्लास, और पूरा दिन ऐसे निकल जाता है. और फिर लास्ट में तो मेरे पास टाइम बचता है तो मैं अपनी स्टडीज़ करती हूँ. तो दिस इज़ व्हाट आई थॉट दैट जैसे कि अब क्या चल रहा है जुलाई, एंड वी हैव डिसाइडेड दैट जो ये मंथ है, जुलाई हो या किसी भी मंथ हो, वी विल बी स्टडिंग वेरी केयरफुली, वेरी सीरियसली. तो मैंने सोचा दैट थ्रू अ स्टडी व्लॉग, बिकॉज आई नो दिस थिंग इज़ इंस्पायरिंग यू ऑल कि हम लोग एक महीना पूरे अच्छे से पढ़ेंगे. तो आई थॉट आज कुछ डिफरेंट करते हैं. आज मैं आपको अपने स्टडी करने का तरीका दिखा रही हूँ. यूजुअली मैं सिमरन दीदी तुम्हारी कैसे पढ़ाई करती हूँ, कितना मेरा स्टडी सेटिंग रहती है और क्या क्या करती हूँ मैं जब मुझे थोड़ी सी बोरियत होती है पढ़ते पढ़ते, या थोड़ा चेंज करने का मन करता है, या ब्रेक का टाइम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं. तो आज हम पढ़ने वाले हैं, यू एंड आई, हम सब मिलकर पढ़ने वाले हैं. यू कैन सी दिस स्टडी व्लॉग एंड आई होप तुम्हें अच्छा लगेगा. तो आज बेसिकली मुझे पढ़ना है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स के लिए मैं अपना क्यूट टेडी रजिस्टर ले आई हूँ, और मेरी इकोनॉमिक्स की बुक हो गई, और ये एक स्पायरल रजिस्टर है. ये एक्चुअली ये क्या है, ये ना एक नोट्स रजिस्टर है. इस पे पीछे मेरे नोट्स है और एक साइड में ब्लैंक शीट छुड़वा देती हूँ. जैसे क्या होता है कि वाइल आई एम रीडिंग सम नोट्स, वाइल आई एम रीडिंग सम कॉन्सेप्ट्स, तो साथ ही के साथ जो मुझे खुद से कुछ एक्सप्लेन करना होता है तो वो साइड में जो ये रफ शीट्स होती है उसमें मैं लिख देती हूँ. ये फ़ोन जो डिस्ट्रैक्शन प्लस यूजफुल दोनों होता है. दिस इज़ माई पेंसिल बॉक्स. ऐसे देखो, ये तो मैं यहाँ स्टडी टेबल पर ये सब सेटअप दिख रहा है. इसमें से मैं बहुत कम चीज़ें यूज़ करती हूँ, यानी कि मेरे को जो भी कुछ सच्ची में चाहिए होता है जल्दी से यूज़ करने के लिए, उसको सब मैंने अपने इस बॉक्स में जो है टक इन कर देती हूँ. पेंसिल्स, मार्कर, सब कुछ है इसके अंदर, और वो है. तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ शो ओनली. तो कभी कभी ज़रूरत पड़ जाता है, बट यूजली सब कुछ यहाँ पर पैक्ड रहता है. एक ही स्टिकी नोट मेरे लिए काफ़ी होता है ऑफ माई फेवरेट कलर, एंड मेरा पेन तो मैं पता है पायलट. तो जब भी जैसे एज यू गाइस नो हम लोग ना प्लेस चेंज कर करके पढ़ते रहते हैं, कभी ऐसे होता है नीचे जब मेरी फैमिली नीचे होती है, आवाज़ आ रही होती है, डिस्ट्रैक्शन होता है, तो मैं ऊपर आकर पढ़ने बैठ जाती हूँ. तो मुझे बस दो चीज़ें चाहिए होती है, मेरी बुक, नोटबुक और ये पेंसिल बॉक्स, दैट्स इनफ. तो तुम लोग भी ऐसे ही करा करो, हमेशा अपने साथ में पेंसिल बॉक्स अपना रेडी रखा करो. तो दिस इज़ माई पेंसिल बॉक्स, और ये आज मुझे इकोनॉमिक्स पढ़नी है. अभी मुझे लैपटॉप की कोई नीड नहीं है बिकॉज मुझे बुक से ही पढ़ना है, तो मैं लैपटॉप को क्लोज़ कर दूंगी एंड देन आई विल स्टडिंग इकोनॉमिक्स फॉर 1 आवर. एक घंटा पूरा मैं पढ़ने वाली हूँ, उसके बाद आई विल टेकिंग ब्रेक एंड फिर देखते हैं ब्रेक में क्या करते हैं. एंड उसके बाद मुझे आज अपना असाइनमेंट भी बनाना है. तो सबसे पहले जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मेरा फर्स्ट टास्क ये होता है. देखो टाइम टेबल, यू गाइज नो दैट मैं पंचुअलिटी में बिलीव करती हूँ एंड आई फॉलो माई टाइम टेबल्स. बट टाइम टेबल से भी ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ जो मुझे मेरा टाइम काम पे करने के लिए आप कह सकते हो जाता है मेरा काम टाइम पे, मैनेजिंग योर वीडियोज, मैनेजिंग माई स्टडीज, ऑनलाइन लेक्चर्स, नोट्स बनाना एंड फिर अगली वीडियोज़ के लिए स्लाइड्स रेडी करना एंड इवन फैमिली टाइम ऑल्सो. तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता है इस छोटे से यहाँ से, क्या होता है इस छोटे से स्टिकी नोट्स पे. जब मुझे पढ़ने बैठना होता है, कुछ भी काम करना होता है, मैं लिख लेती हूँ. जैसे आज का बहुत सिंपल से मेरे गोल हैं, एक है कि मुझे इकोनॉमिक्स जो है उसको पढ़ना है. अभी मैं आपको बता रही हूँ आई बी स्टार्टिंग 1 आवर बिकॉज एक ही कॉन्सेप्ट मेरा बचा है, मैं रात को भी पढ़ी थी, उसको मुझे कंप्लीट करना है. एंड आफ्टर इकोनॉमिक्स जो मेरा इंपॉर्टेंट काम है, आई हैव टू सबमिट 1 असाइनमेंट. तो मुझे एक असाइनमेंट रेडी करना है एंड आफ्टर दैट फिर आप लोगों की वीडियोज़ की तैयारी करनी है. और बीच बीच में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं. और लंच की बात करूँ तो मैं अभी लंच नहीं करने वाली हूँ. दिस इज़ आर प्योर स्टडी व्लॉग, तो इसमें हम पढ़ेंगे, मज़े करेंगे एंड बेस्ट तरीके से अपनी पढ़ाई करने वाले हैं. तो बस सिंपली कुछ इलाबोरेट नहीं, इकोनॉमिक्स असाइनमेंट दोनों मैंने लिख लिया है. अगर आज का टास्क कंप्लीट हो जाता है तो इनके आगे टेक लग जाएंगे, अगर नहीं होता है तो एटलीस्ट मेरे माइंड को, मेरे ब्रेन को पता है कि भाई मैंने पढ़ाई नहीं करी है ठीक से. तो विद दिस लेट्स स्टार्ट स्टडिंग. अब पढ़ते समय अभी इस फ़ोन की भी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, तो रादर देन कि मैं इसे यहाँ रखूँ, इससे अच्छा मैं ये करती हूँ कि मैं इसको जो है साइलेंट पे करके जो है कोने में रख देती हूँ. तुम लोग भी ऐसे करके देखा करो. वैसे ये ट्रिक जिसको डिस्ट्रैक्ट होना है उसको काम नहीं आएगी साइलेंट करके साइड में रखना, जिसको उठाना होगा वो वैसे भी उठा लेंगे, बट स्टिल साइलेंट करने से कुछ ऐसा हो जाता है कि जो नोटिफिकेशंस आते हैं हमारा उन पर ध्यान नहीं पड़ता है. तो अभी मैं फ़ोन साइड में रख रही हूँ, मुझे गाने भी नहीं सुनने हैं बिकॉज आई हैव टू लर्न समथिंग. तो ये जाता है साइड में और हम स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई.
ओके तो लैपटॉप भी क्लोज कर देते हैं बिकॉज अब मुझे लैपटॉप की जरूरत नहीं है. दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू आल्सो. ये ब्लॉग सिर्फ हमारा स्टडी ब्लॉग नहीं है. मैं चाह रही थी दैट रियल टाइम सिचुएशन में मैं आपको कुछ चीज़ें समझा सकूँ. आप लोग भी पढ़ने बैठते हो रोज़, तो जैसे लैपटॉप की स्क्रीन है जिससे मैं आपका काम में नहीं है, आप उसको ज़रूर क्लोज़ कर दिया करो बिकॉज हम लोगों का वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस की वजह से जो है स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका है. तो इसलिए व्हेन यू डोंट नीड योर लैपटॉप, व्हेन यू डोंट नीड दीज गैजेट्स, तो इनको जो है सिंपली आप टर्न ऑफ कर दिया करो सो दैट आपकी आइज़ जो है, सर में दर्द होता है हमें समझ में नहीं आता क्यों हो रहा है, तो वो आइज़ स्ट्रेन ना हो. तो चलो बहुत सारी बातें कर लिया है, अब हम पढ़ते हैं इको, फिर पढ़ेंगे एक घंटे पढ़ेंगे और उसके बाद ब्रेक टाइम लेंगे एंड देन करेंगे बहुत सारी बातें. लैपटॉप की मुझे जरूरत नहीं है तो मैंने साइड में रख दिया, ऐसे आप करा करो. लैपटॉप नीड नहीं है तो साइड में रखो. एंड एक मुझे आपको एक ट्रिक बतानी थी, जैसे कि हम सबका देखो जो स्टडी टेबल होता है ना वो किसी ना किसी वॉल से जुड़ा हुआ होता है. तो जब भी आप कोई बुक रीड कर रहे हो तो कोई चैप्टर रीड करना है, यूजुअली हम क्या करते हैं बुक को ऐसे रखते हैं, बट अगर आपका स्टडी टेबल पास में ही है तो अपनी बुक को ऐसे वॉल से लगा के रख दिया करो. इससे क्या होता है हमें अपना सर झुका के नहीं पढ़ना पड़ता और उससे हमारा ये जो बैक है और ये जो यहाँ पे पीछे नेक बोन है उसमें दर्द नहीं होता है. जैसे कि मुझे तो सर्वाइकल है, कई बच्चों को एकदम से थोड़ी देर पढ़ने के बाद हेडेक होने लगता है, तो वो इसलिए होता है हमारा बॉडी पॉस्चर ठीक नहीं होता है. तो मैं यहाँ पे ऐसे बुक लगा लेती हूँ, उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है. लाइक व्हाइल आई एम मेकिंग द नोट्स तो मेरा जो डायरेक्शन है सीधा ऐसे सीधा रहता है एंड इससे क्या है कि ज़्यादा सर में दर्द नहीं होता है. और जब कोई रीडिंग करनी होती है तो आई यूजुअली होल्ड द बुक इन माय हैंड. अब देखो आप यहाँ देख सकते हो कि वैसे मेरा जो स्टडी टेबल है ये बिल्कुल भरा हुआ होता है, सारे के सारे शूटिंग अपरेटर्स इधर उधर सब कुछ फैला हुआ होता है. बट जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मैं इंश्योर करती हूँ कि सिर्फ यहाँ पे मेरे काम की चीज़ें हों, जैसे कि बस ये नोटबुक है और दो ही पेन मैं रखती हूँ, पायलट ब्लू एंड ब्लैक. तुम्हें पता है मुझे पायलट मेरे फेवरेट पेन से, इन्हीं से मैं ज़्यादा लिखती हूँ. एक पिंक पेंसिल है और एक पेंसिल, क्योंकि कभी कभी आई डोंट लाइक मार्किंग एवरीथिंग विद हाइलाइटर इन माय बुक. मैं यूजुअली पेंसिल से मार्क कर देती हूँ और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो होता है कि भाई आना ही आना है एग्जाम के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं हाइलाइटर से मार्क करती हूँ. तो चलो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं हम अपनी, तो लेट्स स्टार्ट. तो आई हैव कम्प्लीटेड वन ऑफ द टॉपिक जो मुझे पढ़ना था. आई हैव टू स्टडी अबाउट डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. तो देखो हमें मुझे ये इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट पढ़ना था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में. तो बेसिकली इसमें मैंने फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड डिग्री पढ़ी थी एंड इसमें जब मैं पढ़ रही थी एक्चुअली आई वॉज नॉट मेकिंग एनी नोट्स, ये मेरा लर्निंग सेशन था. कॉन्सेप्ट को समझ रही थी अच्छे तरीके से और फिर जो कुछ उसकी डेफिनेशंस थी वो कुछ मुझे लर्न करनी थी. तो बेसिकली पढ़ते हुए भी मैं एक्टिव रीडिंग करती हूँ. ऐसी आप लोग भी अगर आप चैप्टर रीड कर रहे हो, अगर आप कोई क्वेश्चन आंसर्स भी रीड कर रहे हो सो दैट आप उनको लर्न कर पाओ, आपने चैप्टर समझ रखा है, तो रादर देन जस्ट राइटिंग एवरीथिंग जो है आप इस तरीके से जो है अपने हिसाब से जो है अपने सेल्फ नोट्स और मैप्स टाइप्स बना सकते हो. जैसे कि यहाँ पे मैंने जैसे आपको पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री के बारे में पढ़ा था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की. तो आई मेड द फर्स्ट डिग्री एंड उसके जो कुछ फीचर्स थे जो मुझे लर्न करने थे उसका जो ग्राफ बनता है सेकंड का थर्ड का, ठीक है. तो इस तरीके से मैंने अपना शॉर्ट टाइप का रिविजन नोट बना लिया है, इसे माइंड मैप जरूर कह सकते हो. और माइंड मैप में पूरा चैप्टर होता है. यहाँ पे मेरे ये बस एक कॉन्सेप्ट का माइंड मैप है, ये जो पेज है मेरा जब भी मुझे रिविजन करना होगा अबाउट दीज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिग्रीज तो उसे मैं यहीं से कर लूँगी बिकॉज मैंने खुद ही जो है रफली लिख दिया है दैट एक्चुअली में इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. तो ऐसे ही आप लोग भी करा करो जब आप कोई चैप्टर पढ़े हो. जैसे आपने टॉपिक वन पढ़ा तो टॉपिक वन में क्या इतनी सारी लाइंस लिखी होती है जो इंपॉर्टेंट होता है उसको आप ऐसे लिख लेगा. जैसे मैंने लिखा है माइंड मैप फर्स्ट डिग्री में क्या होता है और उसका ग्राफ, सेकंड डिग्री में क्या होता है उसका ग्राफ, थर्ड डिग्री एंड उसका जो प्रूफ करना था हमें वो कैसे होता है. तो इस तरीके से मैंने मैप टाइप बना लिया सो दैट जब मुझे रिविजन करना हो मुझे बहुत आसानी होगी. और यहाँ पर मेरा इकोनॉमिक्स का जो एक कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ना था वो कंप्लीट हो चुका है. आई डोंट नो एग्जैक्टली मुझे कितनी देर लगी है बट हाँ काफ़ी देर लगी है. तो विद दिस हमारा इको वाला जो टास्क है वो कंप्लीट हो गया है. आई थिंक तो मुझे एक घंटा या कुछ देर लगी होगी पढ़ने में. आई विल इंक्रीज द स्पीड इन द व्लॉग सो दैट आप जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड में देख लो. अब देखो जो मेरा टाइम है, अब देखो यार एक घंटा ही मुश्किल से हम पढ़े हैं एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट टेकिंग अ ब्रेक, एक घंटा होता कितना है यार. छोटे बच्चे भी आजकल 5-6 के जो ट्यूशन जाते हैं ना वो भी अपने ट्यूशन में 2 से 2.5 घंटे लग के पढ़ते हैं, ठीक है. आप जैसे अब 60 मिनट्स तक सपोज करो हमने एक घंटा पढ़ लिया है, उसके बाद क्या है आप जो है एग्जैक्टली जो है जो नेक्स्ट आपको टास्क करना है उसके बारे में सोचा करो मुझे क्या करना है. ज़्यादा कुछ है नीचे जाया करो या अपने घर में ही अपने किचन
तक जाया करो, अपने लिए पानी लेकर आया करो। वैसे ही गर्मी चल रही है, हम लोग पानी नहीं पीते हैं, पानी पिया करो आप लोग भी। ओके, तो आप लोग भी पानी जरूर रखा करो अपने साथ में। और देखो ब्रेक का मैं बहुत सही में बता रही हूँ आपको, 1 घंटे का ब्रेक आप नहीं ले सकते हो। तो एक घंटे की आपने पढ़ाई करी है तो 10 to 15 minutes का ब्रेक लो। मैं बताऊँ मैं ब्रेक टाइम में क्या करती हूँ, मैं यूजली पानी पीती हूँ थोड़ी देर, और क्या है सिंचन देखने नहीं बैठती हूँ मैं 1 घंटे पढ़ने के बाद ही। बाहर बालकनी है, वहाँ पे जाके एक चक्कर लगा जाती हूँ, देखाती हूँ बाहर क्या हो रहा है। ग्रीनरी है हमारे यहाँ बाहर, थोड़ी देर वहाँ देखती हूँ, इधर उधर हमारे यहाँ बर्ड्स भी हैं, उन्हें देखती हूँ और वापस आ जाती हूँ। एंड येस, और कोई अगर टास्क होता है जैसे किसी का मैसेज आया, किसी को रिप्लाई करना है अपने किसी, या फिर मैं क्या करती हूँ मैं कॉमेंट्स पढ़ लेती हूँ थोड़ी देर, बिकॉज मुझे आप लोगों को रिप्लाई करना होता है। और नेक्स्ट वीडियो सोचती हूँ दैट क्या आप लोगों के लिए सबसे प्रोमिनेंट है बनानी। बट आज जो मुझे करना है वो ये है, देखो मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है एंड मुझे उसको कुछ गिफ्ट करना है, तो मैंने डिसाइड करा मैं उसको एक बुक गिफ्ट करने वाली हूँ। और मुझे यही लगता है दैट बर्थडे पे बेस्ट, मेरा ओपिनियन ये है कि बेस्ट अगर गिफ्ट किसी को देना हो तो वो एक बुक होती है, बिकॉज बुक जो है लाइफ टाइम एक इंसान अपने साथ में रखता है। कोई भी ऐसी बुक फेंक नहीं सकता है, कोई भी चीज़ आप परफ्यूम गिफ्ट करोगे वो खत्म हो जाएगा, इट विल बी डिस्कार्डेड। कोई भी चीज़ है, टॉप है, पहनोगे खत्म, बट जो बुक है वो बंदा लाइफ टाइम अपने साथ रखता है। मेरा तो यही ओपिनियन है दैट बुक वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट होता है जो आप किसी को दे सकते हो, ठीक है। और आपको क्या लगता है मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। हाँ, तो मुझे 2 बुक ऑर्डर करनी है। पहली बुक है मेरी फ्रेंड की बर्थडे के लिए, कौन सी है वो, प्राइड एंड प्रेजुडाइस, जेन ऑस्टन की वन ऑफ द बेस्ट नॉवल है ये प्राइड एंड प्रेजुडाइस। ये एक लव स्टोरी है, ये मैंने पढ़ रखी है बहुत बार डिटेल में। एक्चुअली मैं लव स्टोरी वैसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हूँ, बट दिस बुक इज समथिंग एल्स, ठीक है। ये काफ़ी डिफरेंट टाइप की है, वो ये आजकल की लव स्टोरी टाइप की नहीं है, दिस इज क्वाइट डिफरेंट। तो आप इसकी मूवी देख सकते हो अगर आपको कभी टाइम मिले तो, वन ऑफ द बेस्ट नॉवल है ये जेन ऑस्टन की। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं अपनी फ्रेंड को वो गिफ्ट करूँगी। सेकेंडली मुझे एक बुक अपने लिए ऑर्डर करनी थी, जिस टाइप की बुक्स मैं पढ़ती हूँ, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इट इज रिटन बाय डॉक्टर जेम्स मर्फी। और ये कुछ बहुत ही बेहतरीन सी बुक है, इसमें हमें बताया गया है जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। जैसे आपको पता है मेरे पास ना 11th 12th में साइकोलॉजी थी, और मैंने साइकोलॉजी में 100 out of 100 मार्क्स आए थे क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में। तो साइकोलॉजी मुझे बहुत पसंद है, साइकोलॉजी मुझे जब मैं 11th 12th में पढ़ती थी बहुत अच्छा लगता था, बट मैंने अपने ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी को जो है फर्दर कंटिन्यू नहीं करा। बट स्टिल मैं चाहती हूँ कि मैं कनेक्टेड रहूँ साइकोलॉजी से। एंड रिसेंटली मैंने देखा इस बुक के बारे में, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इसमें क्या है जो हमारा माइंड होता है उसके बारे में हमें बता रखा है, दैट हमारे माइंड में हमें हील करने की, हर एक प्रॉब्लम से डील करने की ताकत होती है, उस पावर को कैसे हम समझे, किस तरीके से अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें, वो सब बताया। तो मैं वो बुक जरूर पढ़ूंगी, जैसे वो ऑर्डर कर रही हूँ अभी करूँगी आपके सामने। एंड जब वो बुक आएगी तो वो हमें और हेल्प मिलेगी, जब मैं आपको आपकी पढ़ाई के लिए मोटिवेशनल टिप्स दूंगी, सारी टिप्स दूंगी, तो उसमें भी आएगी। मैं आपको बताऊंगी कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप ट्रेन करके अपनी पढ़ाई में, अपनी लाइफ में जो है अच्छे तरीके से जो है मैनेज कर सकते हो सब कुछ। तो चलो ऑर्डर करते हैं। पहली बुक कौन सी है, वो मुझे करनी है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एंड दूसरी है नॉवल ऑफ जेन ऑस्टन। तो मैं सोच रही हूँ हार्ड कवर लेने के लिए, सो लेट्स सी। हाँ ये रहा, मैंने सर्च करा था थोड़ी देर पहले, तो इट्स हियर, ये सी है। ओके, तो यहाँ पे जेन ऑस्टन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 वेरिएंट है मेरे पास में, एक है पेपरबैक जो मुझे इतना पसंद नहीं है, पेपरबैक एक्चुअली गिफ्ट करने में तो वैसे भी पेपरबैक इज नॉट दैट गुड। दूसरा है पूरा पेपरबैक एडिशन के अंदर ही जेन ऑस्टन की 5 नॉवेल्स का सेट, बट आई डोंट थिंक वो 5 नॉवल पढ़ने वाली है। तो रादर देन दिस मैं उसे हार्ड कवर में प्राइड एंड प्रेजुडाइस गिफ्ट करने वाली हूँ। तो ये इसको हम डालते हैं अपनी बास्केट के अंदर, एंड ये कही हमारी बास्केट में, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ जो मुझे कौन सी ऑर्डर करनी है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये रही बाय जेम्स मर्फी। तो इसका तो पेपर बैक ही एडिशन मुझे मिलेगा, एंड दिस वन इज़ द बेस्ट वन। ये उसका कवर मुझे अच्छा लग रहा है, तो ये जनरल प्रेस वाला है, इसको मैं ऑर्डर कर रही हूँ। तो जैसे ही ये आएगी जल्दी से आई वॉन्ट दैट मैं इसको पढ़ूँ और फिर स्टडी टिप्स इसकी जो आपके साथ लोगों के साथ सब शेयर करूँ। तो ये हो गया है हमारा ऑर्डर, रुक जाओ मुझे करने दो कम्प्लीट, एड टू बास्केट। ओके, तो ऑर्डर मैंने कर दिया है, अब देखती हूँ जल्दी से ऑर्डर आ जाए ये मेरा। एंड देन उसके बाद दिनों भैया का भी बर्थडे आने वाला है, तो उनके लिए भी कुछ सरप्राइज मुझे प्लान करना है। और भैया के लिए सरप्राइज प्लान करना वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स होती है मेरे घर में, बिकॉज यार मैं छुपाऊँ कैसे उन लोगों से कोई बात, और सरप्राइज प्लान करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो अब सोचूंगी क्या करना है मुझे, एक तो मेरी प्लानिंग हो चुकी है एक बर्थडे गिफ्ट की, दूसरे गिफ्ट की भी ऐसे ही इकट्ठे मिलकर करेंगे। तो मुझे आइडिया दे सकते हो भैया को बर्थडे गिफ्ट में मैं क्या दूँ। एक्चुअली उनके लिए बर्थडे गिफ्ट प्लान करना और डिफिकल्ट इसलिए होता है बिकॉज ही इज़ द वन जो मेरी सारी डिमांडें पूरी करते हैं। भैया और पापा दोनों का बर्थडे एकदम के डिफरेंस पे ही है, तो दोनों लिए कुछ सरप्राइज प्लान करना सबसे डिफिकल्ट काम होता है मेरे लिए एंटायर ईयर का, कि मैं क्या करूं, बिकॉज क्या है मेरी सारी डिमांड तो वही पूरी करता है, मैं उन्हें क्या दूं तो मैं कंफ्यूज होती हूं, और उसे छुपा के कैसे करूं वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो तुम लोग मुझे जरूर सजेस्ट कर सकते हो दैट भैया को मैं क्या गिफ्ट करूं उनके बर्थडे पे। तो चलो बहुत बातें हो गई हैं, तो इसी तरीके से देखो जो मैं है अपना स्टडी ब्रेक को एंजॉय करती हूं। या तो ज़्यादा कभी मन करता है तो एक एपिसोड छिंचान का देख लिया, बट देखो वो एक ना स्ट्रिक्स में चलने लगता है, फिर एक के बाद आप दूसरा देखोगे, तीसरा देखोगे,
रादर देन दिस मैं कभी कभी कोई ना कोई गाना सुन लेती हूँ ब्लैक पिंक का, और क्या है थोड़ी देर बाद बालकनी में खड़ी होकर आ जाती हूँ, या फिर कोई कुछ मुझे पेंडिंग काम होते हैं जैसे आज मुझे ऑर्डर्स करने थे, या फिर नीचे थोड़ी देर जाके कुछ खा पी के आ जाती हूँ, बस अब पढ़ने बैठे हैं। नाउ आई हैव टू मेक माई असाइनमेंट्स। तो असाइनमेंट्स के लिए जो है जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पहले से ही सामान रेडी रखती हूँ, तो मैं जो है ये पेपर्स ले आई थी अपने प्रोजेक्ट पेपर्स, असाइनमेंट पेपर्स, अब मैं अपना असाइनमेंट बनाऊंगी एंड आई होप यू विल एंजॉय दिस ऑल्सो। तो अब असाइनमेंट बनाने के लिए मुझे लैपटॉप चाहिए होगा बिकॉज गूगल से मुझे काफ़ी कुछ सर्च करना है, तो लेट मी कीप माई लैपटॉप और फिर हम असाइनमेंट बनाते हैं। तुम लोग भी जाके अपना होमवर्क वाला रजिस्टर लेकर आ सकते हो इफ़ यू वांट टू डू योर होमवर्क। ओके, तो असाइनमेंट बनाते हुए तो मैं गाने आराम से सुन सकती हूँ, तो ईयरफोन्स लगा के मुझे गाने सुनने में उससे बेटर थिंग मुझे कुछ और नहीं लगता है। तो अभी तो है मैं ईयरफोन्स नहीं लेकर आई हूँ, यूजुअली पता है मैं कभी कभी जब रूम में अकेली होती हूँ तो बिना ईयरफोन्स के भी गाने सुन लेती हूँ, तो अभी मैं बस अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट जो है उसको ऑन कर लूँगी एंड आई विल बी लिसनिंग टू सॉन्ग्स और अपने साथ के साथ जो है अपना असाइनमेंट रेडी करूँगी। और मैं ऐसा करती हूँ, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो कि जब आप रूम में अकेले हो तो ईयरफोन्स मत लगाया करो, बिना ईयरफोन्स के आप गाने सुन सकते हो, होम थिएटर भी सुन सकते हो एंड कुछ नहीं है तो फिर ईयरफोन्स लगा के सुनो असाइनमेंट करते हुए, होमवर्क करते हुए। दिस इज द बेस्ट थिंग, जब आप गाने सुनते हुए अपना काम कर सकते हो, आप रिलैक्स भी होगे और ऐसा लगेगा ही नहीं पढ़े थे, इट विल बी लाइक कुछ मजे कर रहे थे आप लोग। तो लेट्स स्टडी। विद दिस हमारा सेकंड टास्क भी असाइनमेंट वाला पार्शली कंप्लीट हो जाएगा। पार्शली कंप्लीट क्यों हो चुका है? बिकॉज जो है गाइस मैंने आपको बताया था मुझे असाइनमेंट बनाना है, तो मैंने असाइनमेंट की सोर्सेज जो कुछ मुझे जहाँ से रेडी करना था सब कुछ मैंने चेक कर लिया है, थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट भी कर लिया जो जो मुझे रेडी करना था। अब जो है उसको मैं अपना फेयर आउट बाद में करने वाली हूँ, तो फेयर आउट करने के टाइम का व्लॉग शायद मैं बनाऊँ शायद ना बनाऊँ। ओके, तो अब मैं नीचे जा रही हूँ, मुझे लंच करना है, मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है, तो मैं नीचे जाके खाना खाऊंगी। सिंपल सा क्या बनाऊंगा आज अभी खाने में मुझे नहीं पता है, मैं इंस्टाग्राम पर शायद पोस्ट कर दूँ अगर इफ यू वांट टू नो। तो बेसिकली शायद कुछ चावल बने होंगे या फिर साथ में दाल मखनी वाली, पता नहीं मुझे क्या बनाया आज, सीरियसली कुछ नहीं पता है, गेस कर सकते अभी, वो मुझे नीचे जाके पता चलेगा क्या बना है खाने के अंदर। तो नाउ आई एम गोइंग डाउनस्टेयर्स। तो असाइनमेंट हाफ कंप्लीट हो चुका है, तो इसको मैंने हाफ और इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया, जिससे मुझे पता है बाद में करना है, और बाद में भी अब मुझे रात को जाकर टाइम मिलेगा असाइनमेंट कंप्लीट करने का, बिकॉज अब मुझे नेक्स्ट स्लाइड्स रेडी करनी है आपके लिए, जो वीडियो आने वाली है बहुत स्पेशल वाली, एक बहुत ही स्पेशल वीडियो आपके जुलाई का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की, चैलेंजेस की स्लाइड्स रेडी करनी है। तो अब बहुत बिजी रहने वाली हूँ मैं, उसके बाद ब्लॉग की एडिटिंग भी करनी होगी इस वाले, एंड देन वीडियो शूट करनी है, तो पूरा हेक्टिक डे होने वाला है। रात को करूंगी मैं असाइनमेंट को फिर, तो वो नाइट स्टडी बड़ी सेशन में शायद कभी पॉसिबल हो जाए। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एंड लेट्स से बाय बाय। ठीक है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं आगे क्या बताऊँ आपको। तो बेसिकली मैंने आज आपको इस वीडियो में थोड़ा सा दिखाया है कि किस तरीके से आप अपनी स्टडीज़ कर सकते हो। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करना, जैसे कि जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रही थी तो मैंने उस समय पर फोन भी नहीं रखा था, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रखा था, एंड व्हेन यू आर डूइंग योर होमवर्क असाइनमेंट मेकिंग, तो उस समय आप जो कुछ भी करो, जैसे मैं गाने सुनती हूँ यूट्यूब पर चला के बहुत आराम से, और अपना काम साइड बाई साइड करते रहते हो, अगर तुम्हें उससे डिस्ट्रैक्शन होता है तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो विद दिस आई एम गोइंग बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो शेयर दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड यस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, बिकॉज आई मुझे इस पे एक अच्छा सा रिस्पॉन्स चाहिए, सो दैट आई विल बी एक्साइटेड टू मेक नेक्स्ट वीडियो सून। तो लेट्स इन दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड चलो वो जो मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था ना सरप्राइज वाला, वो मुझे जरूर बता देना कमेंट सेक्शन में। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।